यहाँ कोई भी लोग जो है कोई भी एंट्री करने से पहले सोचता है। देखिए अंदर की घटना से पहले ठीक आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पर भी इस तरह की घटना घटी है। देखिए यहाँ पर भी क्रैकर्स लेकर के आए थे और ये जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर फोड़ा गया, दो शख्स थे, एक पुरुष और महिला, वहां पर यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम उन्होंने दिया। और उसके बाद उसी वक्त में जो है वो लोकसभा के अंदर भी दो शख्स जिस तरह से कूदे और उसके बाद वहां घटना को अंजाम दिया गया, एक बड़ी सुरक्षा की चूक कही जा सकती है। क्योंकि तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है जब कोई भी शख्स अंदर नहीं जानकारी आप दे रहे हैं अनुप जी, क्या ये चार लोग थे आप ये बता रहे हैं कि दो लोगों ने बाहर ये जो स्प्रे है या क्रैकर से इसको फोड़ा था और दो लोग उस वक्त अंदर थे जो दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच में पहुंचे, ये चार लोग थे? बिल्कुल, देखिए ये चार लोग थे, दो जो एक पुरुष और महिला यहाँ पर बाहर एक घटना को अंजाम वो देते हैं और उसी वक्त दो शख्स जो है वो अंदर लोकसभा में कूदकर वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। देखिए सुरक्षा के तमाम व्यवस्था होते हैं और वो भी आज का दिन बहुत मुख्य है क्योंकि आतंकी संसद में जो आतंकी घटना घटी थी उसकी बरसी आज सुबह ही हमने देखा कि किस तरीके से शहीदों को वहां पर याद किया गया संसद भवन में। देखिए हर साल इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और इसी दिन इस तरह की घटना घटती है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। दूसरी बात बता दूं कि कोई भी शख्स अगर अंदर जाता है तो उसके पास वैलिड पास होता है, उसके बिल्कुल अनुज जी हमने देखा कि जिस तरह से संसद पर हमला हुआ उसके बाद ये बिल्कुल अचूक और अभेद्य बना दिया गया था संसद के अंदर एंट्री। हम लोग भी जब वहां पर हुआ करते थे कभी अंदर जाना होता था या फिर अगर किसी को वहां पर पासेस लेकर संसद की कार्यवाही देखनी होती थी तो आपको वहां पर कई लेयर की सुरक्षा से गुजरना पड़ता था, लेकिन आज ये चूक बड़े सवाल खड़े कर रही है वो भी नए संसद में। सवाल तो इस पर पूछा जाएगा। बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ मोबाइल फोन और तमाम चीजों को यहीं रखवा लिया जाता है, यानी कि किसी भी शख्स के पास कोई भी सामान नहीं होता है, उसके बाद एंट्री होती है। देखिए ये एक गेट है जहां पर आम लोग हो, मीडिया कर्मी हो या नेता हो, यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ से जो है वो पुख्ता तरीके से सुरक्षा के जो पूरा जो फ्रिस्किंग है वो होकर के अंदर जाते हैं। तीन लेयर की सिक्योरिटी चेक होती है। देखिए अंदर भी जब आप यहां से एंटर करते हैं और आपको पार्लियामेंट प्रीमिसेस में जब अंदर जाना होता है तो वहां पर भी चेकिंग होती है और फिर जब आप पार्लियामेंट के हाउस के मेन गेट से जब आप एंट्री करते हैं तो वहां पर भी चेकिंग होती है, यानी कि लगातार जो है आपको एक के बाद एक सुरक्षा घेरों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई शख्स जूतों में कोई अगर फायर क्रैकर या वहां पर किसी तरह का केमिकल, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल अमित कहा जा सकता है कि वहां पर उसमें चूक हुई है, जो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर होती है उसकी चेकिंग में अनूप जी वहां पर चूक हुई है, इस बात को माना जाएगा। शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अब जिस तरह से अनूप जी बता रहे कि चार लोग थे, दो लोकसभा के अंदर पहुंचे थे कार्यवाही के दौरान, दो बाहर थे, यानी पूरी तरह से प्रदर्शन का उनका तरीका था, लेकिन ये प्रदर्शन अगर कोई अनहोनी भी यहां पर हो, और जहां तक देखिए पूरी बनावट देखिए टाइप कलर स्मोक कलर येलो और क्रिएटिव है और इसमें मेड इन चाइना लिखा है। देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देखिए, और इसी स्मोक जो इसको जो भी हम उपकरण कहते हैं यहाँ पर आग संसद भवन से यहाँ पर स्मोक फेंका गया था, स्मोक क्लियर किया गया था और इसे देखिए हम अगर हिलाएं तो अंदर से ये पाउडर भी नज़र आ रहा है। तो ये बेहद अहम जो चीज़ें हैं, ये तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी कोई लंबाई भी ज़्यादा नहीं है। आप कितनी संख्या में इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, किस मकसद से इस्तेमाल किया गया, जाँच एजेंसियाँ इस पर आप पता लगाएंगी, लेकिन ये इस तरीके के जो चीज़ है उसको लेकर अंदर घुसे और इसके जरिए जो कलर्ड धुआं है वो स्प्रे करने की कोशिश की गई, अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर दिखाने की कोशिश की गई। जी ठीक है अमित, लौटेंगे हम आपके पास। रवि का क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बने हुए स्मोक क्रैकर जिससे संसद भवन के बाहर भी ये धुआं फैलाया गया और संसद भवन के भीतर, अब तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, एक का नाम नीलम बताया गया, दूसरे का अमोल शिंदे बताया गया, लेकिन चार लोग बताया जा रहा है कि कुल चार लोग थे, बाकी दो के बारे में और जानकारी मिल पाई क्या? थोड़ी देर के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस संसद भवन के बाहर जो 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 वहां पर जिस तरह से बकायदा वहां पे एक स्प्रे
किया जा रहा था, इस वीडियोस को आप देखा जा सकता है, थोड़ी देर के बाद ही स्क्रीन पे देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये मामले में जानकारी मिली थी कि जो संसद भवन के बाहर, यानी कि जो एक कहा जा सकता है कि पास में ही जो परिवहन भवन है, परिवहन भवन के ठीक पास में जहां पर मीडिया गैलरी की एंट्री होती है, मीडिया के तमाम जो लोग होते हैं हम लोग बाहर में वहां पर लाइव जैसे। बिल्कुल शंकर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन शंकर बता रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं, 4 लोग हैं। हालांकि अब इंतजार करना पड़ेगा, चाहे वो संसद भवन पे वहां पर तैनात पुलिसकर्मी जो सीएसएफ होते हैं उसकी तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको क्या लेकर बयान दिए जाते हैं, देखना होगा। कुछ देर में संसद की कार्यवाही भी एक बार से शुरू होगी, लेकिन आज जिस तरह से संसद के भीतर 2 लोग अचानक दर्शक दीर्घा से कूद पड़ते हैं, उसमें बड़ी चूक सामने आई है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर स्मोक क्रैकर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हो सकता था कि इनके पास वेपन भी हो सकता था, बॉम्ब भी हो सकते थे, यानी सुरक्षा में चूक यहां पर साफ तौर से देखी जा रही है। अब किस तरह से यह चूक हुई है, क्योंकि जब आप वहां पर अंदर सदन की कार्यवाही देखने पहुंचते हो, विजिटर गैलरी में आप होते हैं, तो आपकी कई सुरक्षा के साथ, लेयरिंग के साथ आपकी जांच की जाती है, लेकिन आखिर चूक कहां पर हुई और इस चूक के बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सामने आई है। किस तरह से यहां पर 2 व्यक्ति जहां पर सांसद बैठते हैं वहां पर कूदते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है, और इस वक्त राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, और राज्यसभा की कार्यवाही में क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई बयान आता है, देखना होगा। अमित एक बार फिर से इस पहली तस्वीर को आप देखिए, ये नीली जैकेट में जिस युवक को आप देख पा रहे हैं, प्लीज टेक योर, राज्यसभा में सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, अनाउंसमेंट फ्रॉम द चेयर। Honorable members, pursuant to the discussion with leaders of the parties and Minister of Parliamentary Affairs that I had with full benefit, it has been decided to change the order of the government legislative business for today. Firstly, we will take up Central Universities Amendment Bill 2023, followed by जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट प्लीज अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे, एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं, सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज़ अभी अवगत करा दूंगा, उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं, हाँ यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है, कौन लोग आए, क्या लोग आए, नो आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं, नो देखिए अपन इस विषय को, ये एक मिनट प्रेमचंदन जी, देखो एक मिनट मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक मिनट मेरी बात सुने आप, प्लीज देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा, वो वाला विषय नहीं है, ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जाँच आए, वह दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है, और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, अच्छा बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं, एक मिनट बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना, एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना, एक मिनट, ये हाँ बताइए अधीरंजन, हाँ अधीरंजन जी बताइए, एक मिनट, हाँ बताइए अधीरंजन जी। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में
13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है, लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इससे की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होते हैं कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़े हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपीज ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपीज ने निडर होकर हमारे सारे एमपीज ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखा दे रहे हैं सर। ओके ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन की हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं उनको सर, खाली खाली कर दिया गया सर। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त कर लीजिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है सर, वी शुड बी मोर कॉशियस दैट एट द एंट्री गेट हंड्रेड्स ऑफ पीपल वो गैदर ओवर देयर and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP who is okay, not. Okay. Sir, today's incident is very serious and no doubt. 1 minute, Sudeep ji. Okay. ठीक. Okay. Sudeep ji. Okay. 1 minute. Okay. मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूँ, और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1-2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा, ठीक। हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझावों पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शक दीर्घा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते